हम फिर हाजिर हैं अपना अनोखा कार्यक्रम पत्रकार वार्ता लेकर। पत्रकार वार्ता में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रमोद चतुर्वेदी जी। प्रमोद चतुर्वेदी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के भतीजे हैं और खंडवा में उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। हम चतुर्वेदी जी से बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में खंडवा की भूमिका को लेकर। आज़ादी की लड़ाई में दादा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने दादा से मिलने जुलने वाले लोगों को बहुत करीब से देखा है, दादा के साथ आपने लंबा समय बिताया है जी। तो आपके क्या अनुभव रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और हमारा जो परिवार है राजस्थान से माइग्रेट होके और लगभग 1901 के आसपास मध्य प्रदेश में आ गया था और फिर होशंगाबाद ज़िले के बाबई गांव में उन लोगों ने अपना केंद्र बनाया जी। वहाँ पर उनके पिताजी खुद भी एक शिक्षक थे और माखनलाल जी का जन्म बाबई में हुआ था। उसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास पास करने के बाद जी और शिक्षक की ट्रेनिंग ली थी। वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो उनका पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो खंडवा में हुआ था। अच्छा। मूलतः एक शिक्षक के नाते वो खंडवा आए थे सन 1910 में जी। 1910 से यहाँ पर खंडवा में, जैसा कि आप जानते हैं, जिस स्कूल को डबल फाटक बोलते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी प्राथमिक शाला, वहाँ पर वो शिक्षक बने। और खंडवा में रहते रहते क्योंकि उनकी रुचि लेखनी में और साहित्य में और क्रांति में थोड़ी सी शुरू से थी जी जी, तो यहाँ पर खंडवा के अंदर जो माणिक वाचनालय के जो कर्ता धरता थे माणिक चंद जी जैन, तो उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने कुछ लेख लिखे दूसरे नाम से जी। क्योंकि मतलब शुरू में अपने नाम से नहीं लिखा उन्होंने, नहीं लिखा ही नहीं जाता था, लोग लिख ही नहीं पाते थे। और वो लिखते इसलिए नहीं थे मूलतः अपने नाम से कि उसके अंदर फिर कार्रवाई होने का डर था, फिर उसके अंदर एक तरह के मतलब रुकाव आ जाता है कोई चीज़ के अंदर जी, जी, जी। इसलिए उन्होंने कम से कम 700-800 नामों से लिखा है। मतलब वो उनके जो नाम है वो ऐसे ऐसे हैं कि यदि आप पढ़ेंगे तो कहीं, शायद मेरे ख्याल से श्रीकांत जोशी की कोई किताब में उसका रेफरेंस है कि कौन कौन से नाम से वो लिखते थे। श्री गोपाल जी। गोपाल जी। अच्छा। भारती भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, और कोई एक जी, और ऐसे कई नामों से उन्होंने लिखा। तो तब वो लिखते थे तो माणिक चंद जी के और यहाँ के जो दूसरे साहित्यकार लोग थे उनके कांटेक्ट में वो आए और तब फिर उनको एक तरह से एक लेख लिखने पे खंडवा के कलेक्टर ने, तत्कालीन कलेक्टर ने उनको मतलब रिमांड पे लिया, कॉल किया, उनको बुलाया और बुला के उनको काफ़ी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से समझाया, ब्रिटिश अंदाज में समझाया, ब्रिटिश अंदाज में समझाया जी। ये शायद कुछ 12-13 की बात है जी, 1912-13 की बात है। तो जब माणिक चंद जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो, और फिर उन्होंने एक पत्रिका यहाँ से प्रभा नाम की पत्रिका जो बहुत ही प्रभा नाम की पत्रिका बहुत फेमस हो गई, वो हिंदी साहित्य में भी उसका अपना एक बहुत स्थान है जी। करवीर के पहले वो प्रभा का उनको संपादन भी करते संपादन करने के लिए दिया जी। और प्रभा का संपादन माखनलाल जी के साथ साथ गणेश शंकर जी विद्यार्थी ने भी किया। जब ये जेल जाते थे तो गणेश शंकर जी विद्यार्थी उसको संभालते थे। अच्छा। जब वो जेल जाते थे तो कानपुर में जाके प्रताप को माखनलाल जी संभालते थे। ये एक दोनों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, आपस की सहमति से ये कार्य होता है। तो खंडवा में जब उन्होंने ये पत्रिका का संपादन शुरू किया और उसमें कुछ कुछ लेख लिखना उन्होंने शुरू किया जी, तो इसकी भनक भी काफ़ी जल्दी मतलब फैली। और उसके बाद क्योंकि क्रांतिकारी तो शुरू से ही रहे, जब भी लिखा है उन्होंने तो उन्होंने पहले, इसके बाद वो एक किसी कार्यक्रम में इलाहाबाद जा रहे थे तो रास्ते में जबलपुर रुके। जबलपुर में उनका संपर्क एक क्रांति बहुत बड़े क्रांतिकारी से हुआ जी, बंगाली क्रांतिकारी थे।
और उन्होंने ही उनको फिर बनारस में इसकी शपथ दिलाई थी क्रांतिकारी होने की। अच्छा, उनको वो क्रांतिकारी की शपथ ऐसी होती थी कि एक हाथ में गीता, एक पिस्तौल और कुछ ऐसे चीज़ रहती थी, वो करके उनको उन्होंने दिया है। तो मूलतः क्रांतिकारी थे माखनलाल जी ने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम में जो शुरू किया है क्रांतिकारी के नाते शुरू किया जी। और क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने जब तक गांधी जी यहाँ ना आके एस्टेब्लिश नहीं हो गए तब तक वो क्रांतिकारी ही रहे। लगभग 70-80 बार उनके घर की सर्च हुई, उनके प्रेस की सर्च हुई। अच्छा, मतलब खंडवा वाले घर की। हाँ हाँ, खंडवा में जी। खंडवा में, क्योंकि करमवीर जो निकला था वो 1920 से जबलपुर में निकला था और 1925 में खंडवा आ गया था। 1925 से 1977 तक खंडवा तक खंडवा से निकला है वो। करमवीर में भी उनके जो पदार्पण का एक हुआ है कि उसमें सप्रे जी ने, माधवराव जी सप्रे ने जी, एक कंपटीशन रखा था, एक प्रतियोगिता रखी थी लेख लिखने की जी। कुछ शायद 1000 शब्दों में कुछ लिखना था, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर ही लिखना था। उसमें इनका नंबर एक आया था, माखनलाल जी का जी। जी तो उनको तभी उनकी प्रतिभा सप्रे जी ने देख ली थी और वो प्रतिभा देखने के बाद कर्मवीर जब खंडवा से निकलता रहा तो तब ब्रिटिश शासन ने कभी उसको बैन किया या बंद करने की कोशिश नहीं? जबलपुर में जरूर बैन हुआ था। कर्मवीर का मैं बता रहा हूँ आपको, सन 1920 में, फिर बाद में सप्रे जी ने जी कर्मवीर का जो भार है चतुर्वेदी जी के ऊपर दिया और इन पहले कर्मवीर के संपादक चतुर्वेदी जी थे माखनलाल जी जी। जबलपुर से निकला 1920 में। अच्छा, 1920 से 25 तक वहाँ से निकलता रहा। उस बीच में माखनलाल जी को जेल हुई थी और वो 6 महीने के लिए जेल गए थे, तब वो उसमें कर्मवीर का निकलना बंद हो गया था जी। उसके बाद 1925 से खंडवा में 4 अप्रैल 1925 से खंडवा में निकलना शुरू हुआ था। माखनलाल जी जब चूंकि क्रांति से जुड़े हुए थे तो उस समय बहुत बड़े बड़े नेता माखनलाल जी से यहाँ पर मिलने के लिए आते थे। हाँ, ऐसा था। तो आपको उनमें से कौन कौन लोग ध्यान है जो खंडवा आए हैं? मुझे ध्यान इसलिए नहीं हो सकता कि मैं उस समय था नहीं। अच्छा, परंतु जी क्योंकि आपके पास फोटोग्राफ्स और घर में सारे डॉक्यूमेंट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मेरी चर्चाएँ हैं जी, मेरी माखनलाल जी से भी, दादा से भी कभी होती थी, लोग आते थे, उनके जो लेख छपते थे जी, जो उनके ऊपर आर्टिकल छपते थे जी, तो उसके अंदर भी मैंने देखा। और वो जो भिन्न भिन्न सभाओं में जाया करते थे वहाँ पे भी देखा। ऑल इंडिया जो संपादक सम्मेलन हुआ था उसमें भी उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है, मैंने देखी हुई है। तो माखनलाल जी का संपर्क लगभग सभी क्रांतिकारियों से था। और उस जमाने में जी कर्मवीर प्रेस के अंदर, मतलब कर्मवीर परिवार के अंदर, प्रेस नहीं बोलना जी, परिवार के अंदर छिपने के लिए, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हों, चाहे वो हमारे होशंगाबाद जिले के क्रांतिकारी कौन से सिंह थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे जी, तो वो थे निरंजन सिंह, ठाकुर निरंजन सिंह। तो ये सब आके बड़े बड़े लोग छुपते थे यहाँ, मतलब खंडवा में, मतलब आश्रय स्थली हुआ करता था। हाँ, उनकी एक जिस मकान में वो रहते थे उसी में पीछे एक लाइब्रेरी थी जी, उसी घर में उनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी। तो वो लाइब्रेरी वाले पोर्शन में ये लोग आके वहीं रहते थे, वहीं हुआ करते थे। फिर इनका खाना, नाश्ता, चाय, और इनसे किसी को मिलने की कोई परेशानी, इनकी भनक भी नहीं होती थी किसी को कि आके यहाँ पर आए, भेज बदल के कब निकल जाते थे किसी को शायद मालूम भी नहीं पड़ता, भेज बदल के आते थे यहाँ पर। आपके पास बहुत सारे फोटोग्राफ भी होंगे उनके? कुछ फोटोग्राफ्स हैं कुछ लोगों के, परंतु यह उस जमाने में तो फोटोग्राफ इतना कॉमन नहीं रहता था जी। पर कुछ कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, काफ़ी रेयर फोटोग्राफ्स हैं वो। दादा कितनी बार जेल गए हैं, ये कुछ जानकारी में है आपके? दादा मूलतः तो 3-4 बार जेल गए, पर उसमें 2 उनकी मुख्य जेल यात्राएं हैं। एक बार तो बिलासपुर जेल में थे वो जी, जिसका बहुत रेफरेंस उनकी कविताओं में मिलता है, वो नीचे लिखा रहता है बिलासपुर जेल ये तारीख, ये जी बिलासपुर जेल ये तारीख, जबलपुर जेल ये तारीख। तो जबलपुर और बिलासपुर जेल में 2 बार वो गए, और बिलासपुर जेल में तो जिस कक्ष में उनको रखा था वो कक्ष का नाम ही उनके नाम से, अच्छा, वो मध्य प्रदेश शासन ने कर दिया। उस समय मध्य प्रदेश शासन था, छत्तीसगढ़ नहीं था जी। जी जी तो उस कक्ष का नाम ही जिसमें उनको रखा था, जिस बैरक में उनको रखा गया था जी, तो उसका नाम उनके नाम से कर दिया है। कौन से बड़े आंदोलनों का, किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व भी किया था आपने? दादा ने शायद 1923 या 24
डेट गलत हो सकती है, समय गलत हो सकता है, पर झंडा सत्याग्रह का नागपुर में उन्होंने नेतृत्व किया था, और वो झंडा सत्याग्रह का जो उन्होंने नेतृत्व किया था तो वो उस दिन उसका विजय दिवस था, आखिरी दिन था, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और मतलब सभी करीब करीब बड़े नेता लोग, मतलब जितने कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उसका नेतृत्व माखनलाल जी ने किया था। और इस झंडा सत्याग्रह का एक पूरी रिपोर्ट है जी, वो रिपोर्ट में इस चीज़ का पूरा वर्णन है, इस चीज़ का पूरा वर्णन है। और जो खंडवा का जो गजट उस समय निकलता था, अंग्रेज लोग गजट निकालते थे, देखिए अंग्रेजों की बहुत सारी चीज़ें खराब है, पर उनकी कुछ चीज़ें है कि वो डेट कोई भी चीज़ होती डॉक्यूमेंटेशन में, हाँ वो डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें उसका खंडवा गजट के अंदर, निमाड़ गजट ईयर के अंदर इसका पूरा वर्णन है कि उन्होंने नागपुर में स्वतंत्र झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वो सफलतापूर्वक वो खत्म हुआ था। अभी हम चतुर्वेदी जी से बात कर रहे हैं, पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी को लेकर के, अभी बहुत सारे पहलू उनके बाकी हैं, थोड़ी देर बाद हम आप हाजिर होते हैं, फिर प्रमोद चतुर्वेदी जी से बात करेंगे। SW24 चैनल ने जो दीपावली पे ये लॉन्च किया है, उसके लिए SW24 चैनल को भी बधाई, और खंडवा वासियों को, खंडवा के नगर वासियों, खंडवा की शानदार जनता, जानदार जनता को लख लख बधाइयाँ कि ये न्यूज़ जो चैनल चालू हुआ है SW24, ये अपनी सभी की समस्याएं आपके सामने लाएगा, प्रशासन से पूरा जो भी है सभी समस्या सबके सामने रखेगा और निर्विघ्न होकर काम करेगा, ये इनकी विशेषता है। धन्यवाद। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आज खंडवा नगर में SW24 के चैनल के शुभारंभ पर मैं इसके संचालन करता हूँ, सभी मीडिया साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही खंडवा शहर के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि खंडवा शहर के ज्वलंत मुद्दों को जनता के बीच में ला करके और सकारात्मक पत्रकारिता का आप निर्वहन करेंगे, मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप प्रगति के पद पर उत्तरोत्तर वृद्धि करें, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष रुआ पठान, खंडवा शहर के लिए और पूरे निमाड़ अंचल के लिए जो SW24 एक चैनल शुरू हुआ है, मैं इस चैनल को मुबारकबाद और बधाई पेश करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमारे निमाड़ की जनता को, खंडवा शहर की जनता को अच्छे नए समाचार, शुभ समाचार और नई नई सौगातें मिलेंगी, इस उम्मीद के साथ मैं पुनः इनको मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूँ कि ये चैनल हमारे खंडवा शहर के लिए, निमाड़ अंचल के लिए लाभदायक सिद्ध हो, फायदेमंद सिद्ध हो। धन्यवाद। वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रमोद चतुर्वेदी जी, हम आगे इनसे बात करेंगे। दादा की जो देश के बड़े नेता थे उनसे किस तरह के संबंध थे, उसके बाद में आज की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने दादा की स्मृतियों को सजोए रखने के लिए क्या किया है, सभी लोगों से मतलब उनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, एक दूसरे से राय मशवरा करते थे, आपके बारे में, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास में? देखिए दादा, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि दादा मूलतः उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम जो है वो एक क्रांतिकारी के रूप में शुरू किया जी, लेकिन गांधी जी के भारत आने के बाद और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने फिर इसको गांधी जी के साथ अपना संपर्क बना लिया जी, क्रांतिकारियों का साथ नहीं छोड़ा, और बाकी क्रांति का जो पथ था वो उन्होंने उसको उस पद पे वहाँ पर हॉल्ट देकर, और गांधी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए और गांधी जी के संपर्क में आने से अहिंसा वाले मार्ग के ऊपर और आंदोलनों वाले मार्ग के ऊपर उन्होंने चलना शुरू किया, और उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक गांधी जी पे रहे। जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम भी है कि गांधी जी से दादा इतने क्लोज थे, इतने निकटता का संबंध था कि उन्होंने अपने मन में एक इच्छा जाहिर की कि मैं आपकी जन्मभूमि में जाना चाहता हूँ, जन्मभूमि गांधी जी ने और
जब वो गांधी जी वहाँ जाना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश के दौरे पे थे जी, तो संपूर्ण दौरे में दादा उनके साथ थे मध्य प्रदेश जी जी जी, दादा और रविशंकर शुक्ला दो लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पर उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी की थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने लगा था जी। तो दादा ने खुद ही बोला कि मेरी जन्मभूमि कोई इतनी मुख्य वो चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते हुए वहाँ जाएँ जी। बोले आपका स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है, तो इसको आप और कभी के लिए रखें या बाद में कभी देखेंगे। मतलब दादा उसको टालना चाह रहे थे कि वहाँ ना जाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। रविशंकर जी शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र और लोकल अपने जो नागड़ा जी हैं, राजन भाई जी, वो खंडवा मतलब निमाड़ जिला अपने कांग्रेस कमेटी के उस समय सचिव थे, तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि थोड़ा बाद में इसको देखते हैं। तो किसी तरीके से उस समय तो उनको रोक दिया गया, पर दादा यहाँ से जब सुहागपुर गए और सुहागपुर से उन्होंने फिर एकदम मैसेज भेजा कि तुरंत भावी पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। तो उनको लगा कि खंडवा के लोग मुझे नहीं जान देंगे, तो यहाँ से तो वो चले गए, पर फिर उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग वहाँ से भावी जाने की, उनके गृह ग्राम जाने की, उनके जन्म स्थान पर जाने की पूरी योजना सुहागपुर में बनाई, और सुहागपुर से फिर वो भावी गए बाय, उस समय वो जो कार चलती थी जो भी गाड़ी थी उससे फिर वो गए, और यहाँ खंडवा के जितने नेता लोग थे इनको डायरेक्ट वहाँ पे उन्होंने बुलाया। अच्छा। तो दादा फिर वहाँ पहुँचे, तो तब भी वहाँ पे भी उनको नाव में बैठ के जाना पड़ा था कुछ दूरी तक, तो बोला गया ये बात, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि मतलब दिल को टच करने वाली, अपने को छूने वाली चीज़ है। बोले मैं यहाँ आता तो शायद, यहाँ नहीं आता तो शायद बीमार पड़ सकता था, मैं यहाँ आता तो शायद बीमार पड़ सकता था, पर यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मैं तो मर जाता। अरे क्या, ये उन्होंने जो सेंटेंस बोला जी जी। तो सबको उन्होंने अवाक कर दिया उस समय। तो ये ऐसे गांधी जी फिर वहाँ गए, और क्योंकि उस समय वो हरिजन सेवा के लिए पूरे मध्य प्रदेश से पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे जी जी। तो उन्होंने भावी में जाके इस चीज़ की घोषणा करी कि मैं यहाँ किसी तरह की कोई आर्थिक मदद लेने आपके पास नहीं आया हूँ, मैं तो केवल इस धरती का दर्शन करना चाहता था जहाँ पर जिसने माखनलाल जैसे व्यक्ति को जन्म, मतलब धन्य है वो भूमि जहाँ पर माखनलाल जी ने जन्म लिया। तो धन्य तो खंडवा भी है जहाँ पे वो कर्मभूमि बनी है। तो यहाँ खंडवा में और कौन कौन नेता उनसे मिलने के लिए आए? खंडवा में तो करीब करीब सभी लोग, नीलम संजीव रेड्डी आए, शंकर दयाल शर्मा कई बार आए जी, नेहरू जी एक बार जब नेपा नगर का उद्घाटन करने जा रहे थे तो नेहरू जी की कुछ नीतियों से थोड़े नाराज थे, थोड़े खफा थे, तो उन्होंने कुछ एक आध कविता लिख दी थी, तो उसमें दो लाइनें ऐसी कुछ थी, शायद मुझे पक्का नहीं मालूम पर मैं बता रहा हूँ आपको, दो लाइनें ऐसी थी कुछ कि कश्मीर रावी के तट खाई और गंगा के तट छोड़ चले। अच्छा। वो जब नेपा नगर जा रहे थे उद्घाटन करने या वो फाउंडेशन के लिए, तो घर के सामने एक आधा मिनट या एक मिनट के लिए वो उतरे जीप से अपनी जी, और दादा भी उनको पूरा सम्मान देने के लिए बाहर बरंडे में आके खड़े हुए। और उसमें बोला, बोले पंडित जी आपका मुझे संदेश मिल गया है, उन्हें ख्याल कविता के। तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था, परंतु मैंने शिकान जी से बाद में जब जी एक वो उत्सुकता तो रहती है ना कि नेहरू जी आए थे क्यों आए थे, तो मैंने शिकान जी से पूछा कि उस समय जब नेहरू जी यहाँ से निकल रहे थे और कुछ समय के लिए कुछ मूवमेंट के लिए रुके थे तो क्या क्या बात थी, तो उन्होंने फिर पूरी बात बताई थी। जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके अंदर दादा की कविताओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लोग उनकी कविताओं को पढ़ के और काफ़ी प्रेरित होते थे, आंदोलन में जुड़ जाते थे, आंदोलित होते थे। सरकार भगत सिंह ने तो उनकी पुष्प की अभिलाषा को न जाने कितने लोगों तक पहुँचाया, और वो उनको, हाँ उनको बहुत पसंद थी वो दादा की पुष्प की अभिलाषा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जबलपुर जेल से जब वो जबलपुर या बिलासपुर जेल से जब वो छूट रहे थे तो प्रताप के संपादक गणेशंकर विद्यार्थी उनसे मिलने गए, बोले आपका क्या संदेश है जी हमारे युवाओं के लिए, आपका क्या संदेश है, तब उन्होंने ये कविता 6 लाइन की उनको सुनाई थी, मुझे तोड़ लेना वनमाली तुम उस पत्थर पर देना, मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। ये उनका संदेश था भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं उन्होंने, काफ़ी स्वतंत्रता, हाँ जवानी वगैरह काफ़ी कविता उनकी, तो हर कविता ही उसमें उनको तो मतलब साहित्य में ये बता दिया गया है कि ये तो केवल
आज़ादी की क्रांति ही क्रांतिकारी क्रांतिकारी कवि थे, जबकि ऐसा नहीं था जी। मतलब साहित्य का भी उनका पक्ष बहुत मजबूत था। के बड़े बड़े साहित्यकारों ने इस चीज़ को कबूल किया, इसको माना कि मगनलाल जी केवल क्रांतिकारी कवि नहीं, हाँ कवि नहीं थे, उन्होंने हर विधा में लिखा जी। और काफ़ी मतलब नंदूलाल वाजपेयी जी ने यहाँ तक बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई कि सही बात है। छायावाद के लिए के का मूल कवि उनको माखनलाल जी को ही इस्टेब्लिश किया गया है जी। ये जो निराला की साहित्य साधना लिखी है शर्मा जी ने जी, उसमें इन्होंने इसका रेफरेंस दिया, 46 पेज निराला की, यानी किताब का नाम है निराला की साहित्य साधना। अच्छा, और 46 पेज दादा के ऊपर और उसकी भूमिका में उन्होंने 42 या 46 पेज दादा के ऊपर लिखे हुए हैं, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को, वो बहुत बड़े इतिहासकार थे हिंदी के, उन्होंने लिखा है कि नहीं, छायावाद के मूल जो कवि थे जो वो माखनलाल जी थे। दादा ने जितना स्वतंत्रता संग्राम के लिए लिखा है, युवाओं में जोश भरने के लिए लिखा है, उतना ही उन्होंने साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। दादा के कई संपादकीय हैं जिनका बाद में संग्रह किया गया, उसमें बहुत सारे संग्रह अब भी बाकी है जो संकलित होना। सरकार ने अब तक दादा की स्मृति को सजोए रखने के लिए खंडवा में तो संभवतः कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम दादा की सारी चीज़ों को एक जगह जाकर देख सकें। हालांकि राष्ट्रीय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया है, उसका एक परिसर खंडवा में है। हम जानना चाहेंगे चतुर्वेदी जी आपसे कि शासन ने उतना शायद इंटरेस्ट नहीं लिया है जितना दादा को लेकर के खंडवा में लिया जाना चाहिए था। पहले पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जो खंडवा में खोले जाने की बात उठी थी, लेकिन बाद में वो भोपाल में ही खोली। वो खंडवा वालों को बहलाने के लिए खंडवा में कर्मवीर विद्यापीठ, मतलब उसका विस्तार परिसर खोला गया। आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए जिससे दादा से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके? देखिए, पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मैं चश्मदीद गवाह हूँ जी, क्योंकि इसकी जो भूमिका बनी थी, जो योजना बनी थी जी, वो मुंबई में जो इंडियन एक्सप्रेस का जो बिल्डिंग है, एक्सप्रेस टावर्स जी, उसमें गोयनका जी के यहाँ इसकी मीटिंग हुई थी। उसमें पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लक्ष्मीमल सिंह भी थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, शरद जोशी थे जी, प्रभाष जोशी थे। अच्छा, उसके बाद एक वहाँ के मिनिस्टर थे राम मनोहर त्रिपाठी महाराष्ट्र के, और उसके अलावा भी और दो एक लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। गोयनका जी ने उस पर मीटिंग को होस्ट किया था जी, तो मैं उसमें था, वहाँ पर ये योजना बनी थी, और सबका ये एक मत था कि क्योंकि वो जितने बड़े कवि थे उससे भी बड़े पत्रकार थे जी, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके नाम से कुछ होना चाहिए। तो वो विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहाँ पर एक योजना बनी थी जी, वो उस योजना को मूर्त रूप देने में प्रभाष जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही इसको पूरा मतलब इस योजना को आगे लेके गए थे वो। और जो उनके शताब्दी समारोह है उसके पहले उन्होंने ये मीटिंग करी थी, और शताब्दी समारोह में उस मीटिंग में कहीं ये बात आई थी कि खंडवा में खोला जाए या खंडवा को इससे जोड़ा जाए? नहीं बोला था, पर उन लोगों का ये कहना था, और जो भारत शासन का भी कहना था कि खंडवा इतनी छोटी जगह है कि वहाँ पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाने के से मतलब वो चीज़ उनका यह सोचना था कि वो चीज़ मतलब फलीभूत नहीं हो पाएगी जो भोपाल या दिल्ली या बॉम्बे में बनाने से होगी। तो अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बनाना था तो भोपाल या इंदौर दो ही जगह हो सकती है, तो भोपाल को चुना उन लोगों। दादा के बहुत सारे उसी के रूप में, उसके एक्सटेंशन काउंटर के रूप में, विस्तार पटेल के रूप में कर्मवीर विद्यापीठ को यहाँ पे खंडवा में स्थापित किया। दादा के जो अब तक के दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उसको संग्रहित करने को लेकर कोई प्रयास हुए हैं? देखिए, दादा के साहित्य का और कर्मवीर का सन 1929 तक का प्रकाशन तो उनकी रचनावली में हो चुका है जी। ये शिकंजी जोशी के पूरे परिश्रम से ये चीज़ ने एक मूर्त रूप लिया, और जोशी जी मतलब दादा की हर गतिविधि से, उनके हर साहित्य से इतने
गहरे जुड़े हुए थे कि उनको एक एक चीज के बारे में इतनी जानकारी थी। यदि आप यदि कभी रचनावली को पढ़ेंगे आप तो आपको दिखे नीचे फुटनोट्स इतने हैं उसमें, कोई सी यदि आदमी कोई आदमी उसके ऊपर PhD करना चाहे जी, या उस पर कोई लेख लिखना चाहे तो उसको सब चीज़ें उसमें मिलेंगी, मतलब उपलब्ध हो जाती है। तो मतलब ऐसा कोई संग्रहालय खंडवा में नहीं हो सकता। मैं ये बता रहा था कि 29 तक का प्रकाशन कर्मवीर में जो भी चीज़ें थी उनके, चाहे वो एडिटोरियल्स हों, चाहे उनकी टिप्पणियाँ हों, चाहे उनके कोई खोज हो जी, जैसे खोज के नाम पे माना जाए तो ये जो गोहत्या के ऊपर जो आज इतनी बातें हो रही हैं जी, आपको मालूम है गोहत्या का सबसे बड़ा खोजी पत्रकारिता का पहला जो उदाहरण वो माखनलाल जी ने पेश किया था। हाँ, वो जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो क्या थी वो अंग्रेज शासन, अंग्रेज ब्रिटिश शासन सागर के पास रतौना एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने बुचर हाउस बनाने की एक योजना बनाई थी जिसमें लगभग 2500 गाय रोज कटती और उनका फिर जो वो था मीट रहता वो उसको एक्सपोर्ट करने वाले थे। एक बहुत बड़ी योजना थी। माखनलाल जी खंडवा से नागपुर या कहीं जा रहे थे बॉम्बे, तो रास्ते में उनको इसकी कहीं से सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपनी वहीं पर यात्रा को स्थगित किया जी, और वो वापस खंडवा आए। खंडवा आके वो तुरंत सागर गए और अच्छा। उन्होंने इसकी पूरी खोज करी और उन्होंने इसको इतना बड़ा आंदोलन बनाया कि जो चीज़ें वहाँ पर करीब करीब तैयार हो चुकी थी ख़त्म करनी पड़ी, गाय कटने के लिए या बुचर हाउस खोलने के लिए या कत्लखाना खुलने के लिए जो चीज़ें तैयारी हो चुकी थी वो पूरी उनको ख़त्म करना पड़ा और वो योजना अंग्रेजों को अपनी स्थगित करना पड़ी। तो ये एक खोजी पत्रकारिता जिसको आप लोग बोलते हैं जी जी जी, उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसकी शुरुआत भी माखनलाल जी ने करी। हाँ, मतलब एक बड़ा 2500 गायें वहाँ पे अगर रोज़ कटती तो एक बहुत बड़ा नुकसान था देश के लिए। वो दूसरा दादा के वही, फिर हम एक बार उस पर आते हैं। दादा की जो डॉक्यूमेंटेशन है खंडवा में कहीं पर ऐसी जगह उपलब्ध है कि लोग उसे जाकर देख सके? देखिए, अभी तो क्या है कि उनकी जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी मतलब उनके पास जो किताबों का संग्रह था जी, वो तो हमने पूरा सप्रे संग्रहालय को दे दिया जी। इसके साथ ही हमारे पास कर्मवीर की 1920 से लेके 1977 तक फाइलों के दो सेट थे। तो एक तो हमने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान को दे दिया पूरा सेट, वो भारत के राष्ट्रपति ने उस समय रिसीव किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, और उस समय उपराष्ट्रपति थे, परंतु जो ये आपकी विश्वविद्यालय होता है उसके वो कुलाधिपति क्या होते हैं, कुलाधिपति कहलाते हैं, इसलिए उन्होंने उसके नाते वो सेट एक वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया था भोपाल में जी, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। और दूसरा जो सेट हमारे पास था वो हमने सप्रे संग्रहालय में रखा है जहाँ पे लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उस पर शोध हो रहे हैं, उस पर लेख लिखे जा रहे हैं, और काफ़ी सप्रे संग्रहालय वालों ने उसको काफ़ी सहेज के रखा हुआ है। वो एक विरासत का बड़ा रूप है कर्मवीर, जो भोपाल के सप्रे संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसके अलावा जो उनके कुछ पत्र हैं, उनकी कुछ पांडुलिपियाँ हैं, वो सब मेरे पास हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु एक दो बार बातें भी हुई, परंतु आप शासन की तो जो योजनाएँ समझते हैं, हर चीज़ आजकल पॉलिटिक्स से राजनीति से रिलेटेड रहती है। जैसे मुझे याद आया एक बार वो पत्रिका में आपने विश्व हिंदी सम्मेलन के टाइम पर एक दादा के ऊपर आर्टिकल लिखा था, तो तुरंत मुझे CM हाउस से बुलाया गया जी, परंतु मैं जानता था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, इसलिए मैं गया भी नहीं उसके अंदर। मुझे मानता वो फिर ठंडे बस्ते में जाती, मुझे दुख ज़्यादा होता है, सही है, इसलिए मैंने उस समय वो इंटरेस्ट नहीं लिया। पर शासन को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यही चीज़ें हैं जो भविष्य में आने वाली हमारी जो जनरेशन है उन्हें का मार्गदर्शन, सही बात है, उनका मार्गदर्शन करेंगे। पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी के ऊपर आज हमने बात करी, उनके भतीजे श्री प्रमोद चतुर्वेदी जी से। प्रमोद चतुर्वेदी जी को उनका सानिध्य मिला है। दादा ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं जो शायद हम पहले नहीं जानते थे। हालांकि ये बात एक बार फिर स्पष्ट हुई है कि दादा की स्मृति को संजोए रखने के लिए खंडवा में आज भी एक म्यूज़ियम की ज़रूरत है, एक संग्रहालय की ज़रूरत है, जहां पर दादा से जुड़ी हुई चीज़ें और उनका साहित्य रखा जा सके। ये खंडवा और हमारा सौभाग्य है कि दादा के उत्तराधिकारी के रूप में आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए, आपने दादा से जुड़ी इतनी सारी बातें हमें बताई, उसके लिए थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया
कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और माखनलाल जी और उनके साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर सकूं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।